नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत, सर्व शिक्षा विभाग के तहत ये नोटिफिकेशन निकलती है आपकी कस्तूरबा गांधी विद्यालय की। तो नोटिफिकेशन है जहां पर हम देखने वाले हैं कि यहां पर कितने पद हैं। यहां काफ़ी पहले की अपेक्षा जो और अन्य वैकेंसी निकलते हैं इससे संबंधित, तो उससे अधिक पद हैं इसमें। और ये नोटिफिकेशन कहाँ से आई है, तो ये नोटिफिकेशन पहले हम यहाँ पर सीधे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कार्यालय शिक्षा बेसिक अधिकारी 19/23/2024 का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, जहाँ पर महानिदेशक शिक्षा के संबंध में बताया गया है कि आपको जिला महोदय यहाँ 1/8/2023 शासनाध्यास संख्या इतने के अनुसार अनुपालन जिला अधिकारी अनुमोदन के उपरांत प्रतियोगियों को उन्नाव में संचालित। अब यहाँ पर देखिए, 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नियत मानदेय संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 24 और 25 के लिए ये समझते हैं कि मानदेय के अनुसार से इसमें भर्ती होती है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको रहना खाना सब फ्री होता है। ये आवासीय विद्यालय, यहीं पर आपको रहना पड़ता है। शैक्षणिक कार्यों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थी पंजीकृत डाक से आप माध्यम से 10/9/2019 यानी कि अभी आपका 10/9/2019 तक आपको जो है पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र आपको भेजना है। अब यहाँ पर देखिए कि पदों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रम संख्या है, पदों का नाम विषय है, आयु सीमा है, उसके पदों की संख्या है, आरक्षण की स्थिति है और शैक्षिक योग्यता यहाँ पर बताई गई है। यहाँ जो पूर्णकालिक शिक्षिका है केवल महिला भर्ती के लिए, गणित में जो 25 से 45 वर्ष तक है 11 पद है, यहाँ पर अनारक्षित 4 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 4, अनुसूचित जाति 4 का, EWS के में 4 है। अब शैक्षिक योग्यता है, हमारे देख लेते हैं कि स्नातकविधि होना चाहिए, BSc होना चाहिए, यहाँ पर पूरा इसका ये दिया हुआ है। आगे देखते हैं इसके संबंधित। अब यहाँ दूसरा जो पूर्णकालिक जो है शिक्षिका है केवल है विज्ञान में, इसमें 3 पद है, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग 2, EWS 1 में है। आप यहाँ पर शैक्षिक योग्यता एक बार जरूर देख कर लीजिए। उसके बाद पूर्णकालिक शिक्षक आप सामाजिक विज्ञान में हैं, 6 सीट है, अनारक्षित इसमें 3 है। अब जहाँ पर अनारक्षित है वहाँ सभी डाल सकते हैं, लेकिन जिसमें आपका रिजर्वेशन है वहाँ पर वही लोग डाल सकते हैं। EWS में भी आपका 1 सीट है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए कि क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी में है आपकी 4 सीट है, अनारक्षित 1 है, अन्य पिछड़ा 1 है, अनुसूचित जाति और EWS में 1 सीट है। यहाँ प्राथमिक प्रशिक्षित जो है स्नातक अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक उपाध तथा उच्च प्राथमिक स्तर की जो है TET परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है आपके कंप्यूटर की, कंप्यूटर में भी अच्छी लगभग वैकेंसी आती हैं, तो उसमें सिर्फ 1 या 2 सीट होती है, लेकिन यहाँ पर आपके 7 सीट 10 सीट इस प्रकार से सीट है। तो यहाँ पर इसको एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए। आपको यहाँ पर देखना है आपकी जो शैक्षिक योग्यता है, एक बार इसे जरूर चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको जो चपरासी के है पूर्णकालिक महिला अभ्यर्थी यहाँ पर भी है, 3 पोस्ट है, अनारक्षित 2 है और EWS के लिए 1 है। यहाँ उत्तीर्ण होना चाहिए अगर कक्षा 8 उत्तीर्ण, शारीरिक दक्षता संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आवेदन पत्र जो है पंजीकृत डाक से ही स्वीकार किए जाएंगे। आपको भेज यहाँ पर आवेदन पत्र को, यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट दिया गया है कि यहाँ पर जो भी आपका चपरासी के पद पर नियुक्त किया जाएगा महिला अभ्यर्थी की ही नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ पर परीक्षा उपाधि का नाम यहाँ पर जिस प्रकार से आपको देना है, हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त अंक, जो गुणवत्ता का अंक है, ये सारी चीज़ें मिलाकर यहाँ पर रखा जाएगा। साथ साथ ये आपको जो नोट है, नोट आगे देखते हैं, आगे नोट जो है उसको भी देखना है आपको। यहाँ नोट पहला जो है आप देख लीजिए, यदि दो से अधिक या अधिक गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे प्रति नाम आयु ज्येष्ठता के अनुसार उच्चतर स्थान पर रखा जाए। यदि 2 से अधिक गुणवत्ता में आयु समान हो तो ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार रखा जाएगा। यहाँ पर देखिए, शिक्षिका जो शैक्षिक नवीनतम संविदा से वंचित हैं उन्हें आवेदन करने का चयन है तो शैक्षिक अर्थम शासनादेश संख्या इतने में पूर्णकालिक शिक्षकों के TET का अनिवार्यता नहीं होगी। चपरासी और चौकीदार का पद पूर्णकालिक होगा, इससे इनके साक्षात के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे, जिसमें शारीरिक दक्षता 25 अंक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, आप एक इसको अपने तरह अनुसार से अच्छी तरह से इसको आप पढ़ लीजिए जो यहाँ पर दिया गया।
तो यहाँ जितने भी पॉइंट हैं आपको 10-15 और ये सारी चीज़ें पॉइंट को पढ़ देना है, किस प्रकार से लिफाफा लगाना है, कितने फ़ोटो भेजने हैं, अपने मूल प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित भेजना है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर अंत में हम लोग देखने वाले हैं कि इसको जो है हमको कहाँ भेजना है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो यहाँ पर दिया हुआ है कि यह भेजने के लिए आपको देखिए यहाँ पर उक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक अर्थ महिला अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक द्वारा जिला कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षा भवन निकट जिलाधिकारी कार्यालय जिलपत उन्नाव पिन कोड आपका 19-98-01 में आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप में 40 रुपये का डाक टिकट लगे नाम पते लिखा 2 लिफाफे सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा 10 सितंबर 2024 शाम 5 बजे तक आपको भेज देना है। और यहाँ की वेबसाइट आप यहाँ www.unnao.nic.in कार्यालय जिला पर देखें। उसके साथ साथ आपको जो यहाँ पर भेजना है देखिए प्रारूप है यहाँ पर दिया गया है, नीचे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको प्रारूप दिखाई देगा कि आपको कस्तूरबा गांधी के इस प्रारूप के अनुसार तो यहाँ आपको प्रारूप देखना है। ये जो प्रारूप है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 9/7/2024 के लिए, तो विज्ञापन संख्या डाल देना है, नाम डाल देना है, आवेदन का नाम अंग्रेजी हिंदी में डाल देना है, आपका जो है लिंक डाल देना है, पता डाल देना है, पिता का नाम डालना है, स्थायी पता पिन कोड के साथ मोबाइल नंबर, तो इस चीज़ें यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये आपको डाल देना है। साथ साथ इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखें तो यहाँ हाई स्कूल जूनियर हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड का नाम उत्तीर्ण वर्ष विषय पूर्णांक प्राप्तांक और प्रतिशत ये सारी चीज़ें आपको डालना है। और नीचे आपको घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको डालना है, दिनांक लिखना है, स्थान लिखना है और अपना प्रार्थी का नाम लिख के हस्ताक्षर करके इसको दिए गए पते पर आप इसको भेज दीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इसको इस प्रकार से जा सकते हैं, यहाँ उन्नाव की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर आप इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए, मित्रों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।